दोस्तों, अब हम आए हैं सदगुरु कृपा परेश वड़ा पाव सेंटर, जो कि विरार वेस्ट में है। स्टेशन से बिल्कुल भी पास है, वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट्स का। विठ्ठल मंदिर के बाजू से एक रास्ता गया है, उसके बाजू में है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बिल्कुल सामने इनका शॉप है, जो कि है 25 साल पुरानी शॉप। और इनके यहाँ का जो वड़ा पाव है वो तो बस लोगों को बहुत ही खुश कर जाता है। सर जी, आपको यहाँ पर क्या पसंद है? वड़ा पाव पसंद है। इनके पास भजी मिलती है, वड़ा पाव मिलता है, मिसल मिलती है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सबको पसंद है वो, आपको क्या पसंद है? परेश का वड़ा पाव हम लोग कांदीवली से आते हैं और विरार में बहुत ज्यादा फेमस है, इसके लिए इनकी लोकलिटी के लिए हम लोग स्टेशन से चल के यहाँ पे आए हैं वड़ा पाव खाने के लिए। मैडम, रोज के आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, रोज ही आते हैं। आपको यहाँ का वड़ा पाव बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। यस, आपको यहाँ का वड़ा पाव कैसा लगता है? एक तो विरार का ये फेमस वड़ा पाव है, हम पहले बहुत साल से खाते आ रहे हैं। मेरा भाई यूएस से जब भी आता है स्पेशली ये यहाँ पे आता ही है वड़ा पाव खाने के लिए, वो उसको बहुत पसंद है। अच्छा, कि इनका जो अमेरिका तक पहुँच चुका है इसकी। अच्छा, तो ये वड़ा पाव इसकी जो टेस्ट है वो अमेरिका तक पहुँच चुकी है। थैंक यू मैडम। आपके यहाँ का टाइमिंग क्या है? हमारा इधर का टाइम है 9 बजे से 1:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से 10:45 बजे तक। अच्छा, आप ऑर्डर भी लेते हैं? लेते हैं, वड़ा पाव की, भजी की, मुंगनाल की, वैसे ऑर्डर लेते हैं हम। शॉप आपके यहाँ पे कभी बंद रहता है? बंद नहीं रहता, कभी कंटिन्यू चालू रहता है। कंटिन्यू चालू। अब हम सबसे पहले इसे टेस्ट करने वाले हैं। आपको बताएं, हम बहुत बहुत सारे वड़ा पाव दिखाते हैं, लेकिन हर वड़ा पाव की जो टेस्ट होती है ना वो तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये देखिए, इसके अंदर उन्होंने डाली है ग्रीन चटनी और रेड चटनी। जो मीठी चटनी है वो खजूर और इमली की बनती है, और जो तीखी चटनी है वो तो मिर्ची से, और इनकी जो सूखी चटनी है वो इनकी स्पेशल चटनी है, वो चने के आटे से वो बनाते हैं। मज़ा आ गया। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था, जो दिल्ली से थे, कि आप इतने सारे वड़ा पाव क्यों दिखाते हो, हर जगह वड़ा पाव तो एक जैसा होता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ का जो वड़ा पाव होता है हमारे महाराष्ट्र में, वो हर जगह पर अलग अलग और अलग अलग उसकी टेस्ट होती है, इसलिए हम वड़ा पाव आपको इतने ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि हर वड़ा पाव की एक और ही पहचान होती है। जैसे कि अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर ये परेश वड़ा पाव और उसके बाजू में ही साई वड़ा पाव, इन दोनों वड़ा पाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परेश वड़ा पाव 25 साल पुराना तो है, और ऊपर से इन्होंने जो टेस्ट है वो भी बरकरार रखी हुई है। इनका यहाँ पर एक ही शॉप नहीं है, यहाँ पर विरार में इनके और भी 2 शॉप है, जैसे कि तिरुपति नगर है, वहाँ पर फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों जगह पर इनकी शॉप है। इनके पास मिसल है, भजी है, लेकिन इनके पास जो सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादा खाने के लिए आते हैं वो तो वड़ा पाव खाने आते हैं। मेरे तरफ से इस वड़ा पाव को 10 out of 10। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ पर आइए, आके देखिए कि आपको ये वड़ा पाव कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय। विठ्ठल मंदिर के बिल्कुल बाजू में आप आओगे, विठ्ठल मंदिर के बाजू से एक गली गई हुई है, जिसके विठ्ठल मंदिर के बाजू से एक रास्ता गया है, उसके बाजू में है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बिल्कुल सामने इनका शॉप है।